तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। भाई आज के टाइम में ना देखो, हर बंदा जो है नई गाड़ी जो है लेना चाहता है एक, और भाई नई गाड़ी जिनका बजट नहीं होता वो सोचते हैं कि भाई हम जो है ना एक पुरानी गाड़ी के ऊपर चले जाएं। तो भाई पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त कई बार क्या होता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है या फिर कुछ भी है, गाड़ी में कोई दिक्कत निकल आती है, तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना आज मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें भाई आपको मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे कवर करूँगा जो आप एक पुरानी गाड़ी अगर खरीदने जा रहे हो तो आपको वो चीज़ें जो है चेक करनी चाहिए। तो भाई ज़्यादा लंबा ना खींचते हो, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कभी भी है ना कोई भी गाड़ी आप अगर चेक करने जा रहे हो तो भाई सबसे पहले ओनर आपको देखो है चाबी, और आप क्या करते हो जाते ही गाड़ी में सीधा मार देते हो सेल्फ। तो भाई अभी गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। तो हमें भाई सबसे पहले सेल्फ नहीं मारना, इसमें हमें गाड़ी को अपना जो है ना यहाँ से चाबी भी नहीं लगानी और अपना बोनट खोल लेना है। बोनट खोल के भाई अपने को सबसे पहले जो है आपको चेक करना है इसमें, एक बार खोल लेता हूँ मैं फिर बात करता हूँ। हाँ बोनट खोल लिया, चाबी रख देते हैं। भाई आपने सबसे पहले चेक करना है कि इंजन ऑयल का जो है ना लेवल कितना है। तो भाई ये गर्म गाड़ी में कभी नहीं पता लगता, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तभी आपको पता लगेगा कि क्या आपका ऑयल का लेवल है, क्योंकि भाई जब गाड़ी में सेल्फ लगता है ना तो वो तेल आपका ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले आपका ये चेक हो गया। चेक होने के बाद भाई इसको आप बिल्कुल निकाल दो, अलग रख दो, इसको कहीं पर भी रख दो। रखने के बाद भाई अब आ जाते हैं एक बार अंदर की साइड, और भाई गाड़ी को अब कर देते हैं स्टार्ट। एसी कर देंगे ऑफ इसका, एसी वगैरह भाई सब है ना वो अलग पार्ट है, वो तो सही हो जाएगा, लेकिन मेन होता है गाड़ी का इंजन। तो भाई गाड़ी का सबसे पहले गाड़ी को कर देंगे स्टार्ट, और भाई यहाँ से दो इसमें रेस। और भाई अगर जो है आप दो जने जा रहे हो तो और भी बढ़िया रहेगा। यहाँ से भाई अगर कोई भी ऑयल आपका वो छटक के ऊपर आता है या फिर कोई भी है ना यहाँ से धुआं निकलता है जहाँ पर ये पार्ट लगा होता है इसका, तो भाई वहाँ पे उस गाड़ी को आप एज इट इज़ जो है ना वहीं पर छोड़ दो, सीधा दूसरी गाड़ी देखने चले जाओ। दूसरी बात आ जाती है भाई गाड़ी बोनट को कर देना, इंजन की बात यहाँ पे हो जाती है ख़त्म, और इंजन में भाई आप देख लेना कि नॉइस वगैरह ना हो। और दूसरी बात आ जाती है फिर भाई बॉडी की, कि आपको गाड़ी देखनी है भाई चारों तरफ से गाड़ी कैसी है। गाड़ी को एक बार कर देते हैं बंद, तो कहीं से भाई कोई डेंट स्क्रैच हो या फिर जो है रीपेंट हो तो आप ओनर से पहले ही कन्फर्म कर लेना। कन्फर्म करने के बाद भाई गाड़ी आपने पूरी देख ली आगे पीछे से सब कुछ ओके, और भाई फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि भाई गाड़ी में जो है ना टायर्स की कंडीशंस कैसी है, टायर की कंडीशन कैसी है भाई, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई गाड़ी जो भी चली है ना उसके किलोमीटर जो है आपके ओडोमीटर पर दिखा रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। जैसे कि भाई अभी मेरी गाड़ी है ये चली है भाई 50,316, और भाई ये मेरे जो है ना अभी टायर्स लगे हुए हैं कोई भी देख के बता सकता है कि भाई कंपनी वाले ही टायर हैं। तो 50,000 पे भाई गाड़ी के टायर्स की ऐसी कंडीशन हो जाती है नॉर्मल सिचुएशंस में। फिर भाई आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बात। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आपको क्या चेक करना है भाई, गाड़ी स्विच ऑफ करके सबसे पहले आप गाड़ी को करो स्टार्ट। ये हमने मारा सेल्फ, सेल्फ मार के भाई देखना है आपको मीटर में सारी लाइटें भाई चली जानी चाहिए। ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है एक, और ये आ रही है भाई फ्यूल की। मीटर में स्टार्ट होने के बाद भाई कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और भाई अपना उसमें पावर विंडो वगैरह है अगर आपकी गाड़ी में तो दोनों चेक कर लो चला के, और यहाँ से चला के अगर चेक करोगे तो भाई इधर का भी एक बार स्विच जो है ना आप चेक जरूर कर लेना। चेक करने के बाद भाई देखो ये सब चीज़ें तो पार्ट एक्सेसरीज का हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आपको चेक करना है तो भाई अपने हैंड से आप चेक कर सकते हो। आप फिर कर लो भाई गाड़ी का एसी ऑन। अब भाई कूलिंग चेक करो। कूलिंग चेक करने के बाद भाई बंदे क्या करते हैं, जैसे मान लो आप जा रहे हो गर्मियों में गाड़ी खरीदने, तो भाई आपने जो है चेक कर लिया कि भाई इसमें जो है एसी एकदम फंटेस्टिक चल रहा है और मज़ा आ रहा है आपको हवा खाने में ठंडी ठंडी, भाई आपने सिर्फ एसी के भरोसे नहीं रहना, आपको गाड़ी है ना सर्दियों में भी चलानी है। इसका हीटर, इसको हीट करके एक बार हीटर भी ऑन करके देखो हीटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि भाई जिन गाड़ियों में ना देखो हीटर ऑन नहीं होता वो भाई आने वाले टाइम में दिक्कत करती है, उनका हीटर भी कभी ऑन नहीं होता। और भाई आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद आपको गाड़ी में बैठना है, ड्राइव पे जाना है भाई, और उसके बाद है ना शॉकर्स चेक करना है। शॉकर्स भी चेक करने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ, आप जब भी गाड़ी को ऐसे ऐसे प्रेस करोगे ना तो गाड़ी का दबाव बता देगा कि भाई कौन सा शॉकर जो है ख़राब है और कौन सा जो है सही है, कौन सा शॉकर लीक है और कौन सा जो है सही है। इस गाड़ी के तो खैर अभी चारों शॉकर सही है, नई गाड़ी है अभी कम चली हुई है मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद भाई एक बार है ना आप अपना कर दो लाइट्स ऑन सारी,
जैसे मैंने ये लाइट ऑन कर दी, अभी फॉग लैंप्स भी ऑन है तो इंडिकेटर भी ऑन है। तो भाई अभी जो है ना एक बार कर लेते हैं पीछे से चेक। तो भाई इसमें देखो कोई भी है ना अभी बल्ब फ्यूज़ नहीं है, यहाँ तक कि है ना नंबर प्लेट वाले भी बल्ब जो हैं वो भी जल रहे हैं। तो आगे से एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें सारे बल्ब जल रहे हैं, साइड का फेंडर वाला भी जल रहा है। तो भाई यहाँ पे बात पता लग जाती है, अभी इसका एक फॉग लैंप जो है बंद पड़ा है, क्योंकि भाई ये जो है ना वैसे तो कंपनी से लगा था मगर आफ्टर मार्केट ही होता है। अब भाई एंटीना तो इसका है ही नहीं, जैसा कि आपको पहले पिछली वीडियो में पता है रात में भाई कुत्तों ने काम कर दिया इसके साथ, वो ले गए अपने साथ गाड़ी पे चढ़े थे, साथ के साथ एंटीना भी ले गए। फिर भाई आपने गाड़ी में सेल्फ मारना है और भाई जाना है कि ड्राइव के लिए छोटी सी, और ड्राइव में क्या क्या कवर करना है मैं आपको बता देता हूँ। भाई गाड़ी स्टार्ट करने के बाद है ना आपको गाड़ी सीधा भाई भगाने ही नहीं है, लोग करते हैं भाई सीधा रेस पे पैर रखा और भगा के देख ली गाड़ी कैसी है। तो भाई आपने सबसे पहले डालना है पहला गियर, सिर्फ क्लच छोड़ना है आपने। एक सेकंड में फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। तो भाई आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ है ना क्लच छोड़ना है। देखो जैसे मैं अभी है ना क्लच छोड़ रहा हूँ और भाई ये गाड़ी आगे बढ़ने लग गई, मूविंग कार है देखो, और रेस बिल्कुल नहीं दे रहा मैं। ऐसे ही आपको सेकंड गियर में भी करना है, सेकंड गियर में भी भाई क्लच छोड़ते ही गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो भाई अभी आपको जो है ना फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में आपने चेक कर लिया, थर्ड गियर में भी सेम ऐसे ही चेक करना है, गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए भाई। थर्ड गियर तक भी अगर आपकी गाड़ी बढ़ गई ना आगे तो भाई आप समझ जाओ कि गाड़ी की क्लच प्लेट है ना बिल्कुल ओके है। आप क्लच से जज नहीं कर सकते उसे कि कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, क्लच से आप गाड़ी को कभी जज नहीं कर सकते कि भाई गाड़ी जो है उसकी कंडीशन क्लच की कैसी है, क्योंकि भाई वो केबल से काम है उसका सारा, और क्लच प्लेट का जो है ना वो इंजन बताते हैं भाई। फिर उसके बाद आपको गाड़ी में चलने में चेक करना है उसका स्टीयरिंग कैसा है, कहीं से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, और स्टीयरिंग को भाई दोनों तरफ आपने घुमा के देख लेना है, एक बार इधर घुमा लेना है पूरा, एक बार इधर घुमा लेना है, घुमा के भाई आपने देखना है कि भाई गाड़ी ओके चल रही है या मतलब स्टीयरिंग में कोई आवाज़ तो नहीं है, क्योंकि भाई अगर मोटर में आवाज़ बन जाती है तो वो भी ना आपका मतलब पॉकेट पे एक टाइम पे भारी पड़ जाएगी, वो आपको कराना ही पड़ेगा। और फिर भाई आपने गाड़ी को धीरे धीरे चला के आपको गड्ढों में लेके जानी है गाड़ी, जैसे कि अभी यहाँ पे जो है वो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, इनमें लेके जाओगे ना आपको पता लगेगा गाड़ी में कोई भी जो है वो रैकलिंग साउंड होती है या फिर जो सस्पेंशन से कोई आवाज़ आ रही है, तो वो आपने चेक करनी है। वो सब आपने चेक कर लिया तो भाई आप गाड़ी जो है उसमें एक बार आप इसके मिरर्स भी सारे चेक कर लो, जैसे कि इस गाड़ी का ये मिरर्स है, ये वाला शीशा जो है ना ये टूटा हुआ है, और भाई ये जो है सारे मतलब जो भी मिरर्स होते हैं वो भाई आप चेक कर लो उसके। और हाँ भाई लास्ट पॉइंट जो आता है कि भाई गाड़ी आपको पसंद आ गई, चलने में ओके है, सब कुछ ओके है, तो भाई सबसे पहले एक बार आप उसमें एम परिवहन में डाल के चेक कर लो कि भाई गाड़ी पे कोई लोन पेंडेंसी तो नहीं है, या कल को आपको जो है RC ट्रांसफ़र में कोई इशू हो जाए या फिर कोई चलान पेंडिंग तो नहीं है, तो आप ये चीज़ पहले ही एक बार कंफर्म कर लो। और कंफर्म करने के बाद भाई अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है ना तो नो डाउट भाई आप वो गाड़ी को फाइनल कर सकते हो, अगर आपका जो है उनसे बार्गेन अच्छा हो जाता है, जो जैसे भी है आपको डील पसंद आती है तो आप गाड़ी को है ना हैंड टू हैंड परचेज कर लो गाड़ी में, और भाई कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं होते। और आपको अगर करना ही है तो भाई एक बार है ना आप इन किलोमीटर के हिसाब से आप सीधा जिस भी ब्रांड की गाड़ी है वो उसके सर्विस सेंटर में लेके जाओ, एक बार उसे सर्विस सेंटर में लेके जाओगे भाई पूरी सर्विस हिस्ट्री निकल के आ जाएगी कि कितने किलोमीटर पे जो है और कितने टाइम बाद जो है ओनर ने पास्ट मतलब पिछला ओनर है उसने सर्विस करा रखी है, तो उससे भाई आपको है ना ओनर के बारे में भी थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी कैसी है। और भाई अंदर से जो है आप जो छोटे मोटे चीज़ें हैं जैसे सीट कवर्स वगैरह, वो भाई देखो ये सब चीज़ें पॉइंट कवर करने वाली नहीं होती, कोई भी आदमी जाता है सबसे पहले भाई शक्ल सूरत तो गाड़ी की देखता ही है, वो आपके ऊपर है आपको कैसा लग रहा है, और आदमी लेने के बाद भाई सीट कवर वगैरह भी चेंज कराता ही है, तो वो सब पॉइंट मैंने इसलिए कवर नहीं करे। तो आप जो है ना अपने हैंड से ये सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, आपको किसी भी मैकेनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मैकेनिक लेके जाओगे भाई कोई भी आज के टाइम में ना फ्री में नहीं जाता, जाएगा तो भाई आपसे चार्ज जरूर करेगा। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना और भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।